नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम केतन कालेब है। तो अभी हम बाइक से जाने वाले हैं। सिचुएशन ये है कि अभी फर फर जो स्पीड में गाड़ी चल रहा है, आगे में एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट का बहुत सारा फुटेज हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मेन मेन कहानी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा भी फटफटिया रेडी हो रहा है। ऐसा ऐसा मोमेंट भी हमको ब्लॉग में डालना पड़ रहा है, कम बड़ी बात नहीं है। तो ये सब अभी जाम में फंसे हुए होंगे, तो किसी तरह से निकल निकल के आ रहे हैं। पांच घंटे यहाँ हो गया, क्या अधिकारी किया? कुछ नहीं किया, गाड़ी में थाना पिटवा दिया, पैसा उसको मिल गया। लाश उठवा दे। अभी नहीं उठेगा, अभी यहाँ से जाएंगे उसको उसको घर पे, ऑनर के घर पे, उसके बाद में लाश उठाएंगे हम। हमको नहीं चाहिए कुछ, पुलिस जाए अपना, हमको नहीं चाहिए पुलिस। अगर नहीं हमको आ रहा है, सुलझा रहा है, तो वो चले जाए, हमको नहीं उससे मतलब है। अभी तक पुलिस नहीं आया, कुछ नहीं, खुदवारी कर रहा है हमको। जाके उधर गाड़ी वाला से उसको मतलब है, गाड़ी वाला पैसा दे दिया उसको। हमको जीव जल रहा है भाई, साला छोरा मर गया हमको भाई। आप रिपोर्टर है ना? आपको कितने बजे खबर चला? कितने बजे बताइए आप? अब बोलिए, बोलिए। तो दोस्तों, अभी हम आपको यहाँ सीन दिखा रहे हैं, कितना लंबा जाम लगा हुआ है, ये देखिए। और ये जो कपड़ा लगा हुआ है, इसी जगह इनका बॉडी है जिनका एक्सीडेंट हुआ है। इधर पूरा जाम है। इधर भी जाम लगाया गया है इस खूंटा के द्वारा। पहली बार इतना बड़ा जाम देखने के लिए मिल रहा है अपना एरिया में। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं माँ के साथ में मुर्गी को दिखाने। एक जगह बहुत ही अच्छा मुर्गी पालन होता है, तो यही मुर्गी पालन हम दिखाने के लिए लाए हैं। हम लोग खरीदते हैं, तो ये देख लीजिए दोस्तों। ये मुर्गी पूरा देसी मजहब का मुर्गी है। तीन सौ चार सौ होगा का? 200 तक ज़्यादा रहे, सब बेचा जाए। कहाँ से चूजा लाते हैं लोग? गढ़वा मिल जाता है ना। ये देख लीजिए, इनका यही ज़्यादा नहीं है। यहाँ से निकलेगा, इस बाउंड्री के अंदर में घुसेगा और खाएगा पिएगा और वापस घर में। इधर भी फार्म है। और इतना सुंदर फूलों के बीच से हम जाते हुए अपनी घर की ओर, ये सब भी दिखाना ज़रूरी है कि हम किस जगह और किस माहौल में रहते हैं। तो यहाँ का सिचुएशन यही है दोस्तों कि अभी तक 3-4 घंटा हो गया, हम अपनी माँ को हम वापस भी ले आए। और यहाँ पर जो भीड़ है, ज्यों का त्यों है। वीडियो जी आए हुए थे और दो गाड़ी प्रशासन भी आया हुआ था, लेकिन कुछ मामला बात बना नहीं, अभी भी यहीं पे है। देखिए क्या होता है शाम तक। अब हम यहाँ पर से इसका ब्लॉग नहीं बनाएंगे, अब हम वापस से घर चलते हैं। तो साथियों, हम घर आ चुके हैं और यहाँ का सिचुएशन ये है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो सीन तो आप लोगों ने देख लिया, बीच में मुर्गी पालन भी आपको दिखा दिए। सिचुएशन ये हुआ कि थाना आया, बॉडी को ले गया अपना, डांट फटकार करके, कहे कि रास्ता जाम कर रहा था, सरकार का जगह है। तो बहुत सारा बात आया, 50,000 रुपया देना चाह रहा था लेकिन नहीं,
लिए कि नहीं लिए इसका कोई अता पता नहीं है। बहुत सारा बात आया, कोई 5 लाख बोल रहा है, कोई 10 लाख रुपया, ऐसा ऐसा कहानी सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन आज का दिन समझ लीजिए जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके परिवार के लिए काफ़ी दुखदायक था। दुखदायक इसलिए कि आज उनके घर में गृह प्रवेश था और सबसे टॉप का हमारे एरिया में सबसे टॉप का घर उन्हीं का है। तभी हम नहा थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर हल्का सा जाएंगे वहाँ का आपको वीडियो दिखाते हैं। एक तरफ तो उधर कुछ ऐसा दुख वाला कहानी हो गया और इधर इनका जो गृह प्रवेश है उनके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। सुबह तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा खास नहीं बोलेंगे, यहाँ पर भी गम का ही माहौल है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। हम लोग का दलेली और ओखड़गाड़ा गाड़ा दोनों सटले है, एक दूसरा का बॉर्डर में है। तो यहाँ पर सिचुएशन ही था कि यहाँ पर तो भाई आज जो होना था तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पर भी गृह प्रवेश हुआ, लेकिन खुशी माहौल नहीं रहा, पूरा गाँव दुख में ही, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ऐसा माहौल थोड़ा सा सबके लिए गम वाला ही रहता है। लेकिन हम ज़्यादा कुछ इसमें कमेंट नहीं करेंगे। शुरुआत मेरा खुशी मूड से हुआ था, लास्ट मोमेंट में मेरा भी चेहरा उतर गया और ज़्यादा हम ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोमेंट हम पूरा गहराई से देखे। हालांकि हम खाना पीना खाएं उतना मन से नहीं, लोग खा रहे थे, सिचुएशन हम देखें, और हमको यहाँ का वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, कहे कि हम वहाँ का वीडियो ज़्यादा बनाएं इसलिए। और लास्ट में यही हुआ, सब कुछ धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा, इस सिचुएशन को आदमी धीरे धीरे भूल जाएगा, जो होना था वो तो लिखा हुआ था। लेकिन इसका हम थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट बताना चाहेंगे। पिकअप से आ रहे थे और लड़का अपाची में था और अचानक से लेफ्ट साइड में ही कैसे न कैसे वो टकरा गया, जिसके चलते इस तरह का घटना हुआ। और ड्राइवर का क्या गलती था कि वहाँ से जो भगाया एक ममता वाहन उसका पीछा भी कर रहा था, लेकिन जान रहा था कि इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको भी ओवरटेक नहीं करने पाया, हल्का सा रगड़ खरोंच हुआ एक गाड़ी दूसरा गाड़ी से। और लास्ट में जब अपना घर के पास पहुंच नहीं वाला था तब तक ले 3-4 मोटरसाइकिल रोड में लगा दिया था कि अब तुम मार और चढ़ा के पार हो। फिर उसके बाद उसको बोला गया कि चलो, उतना बड़ा हादसा कर दिए हो, ज़्यादा चोट नहीं आया है, चलो। लेकिन यहाँ से वो बंदा निकल गया, खिसा के गया, जान रहा है कि मैटर गड़बड़ हो गया है। तो इतने यही मेन कहानी था। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये भी दोस्तों, ऐसा कभी कभी माहौल मिलता है, कभी खुशी कभी गम वाला। एक तरफ खुशी, ये बंदा अपना जीवन का सारा पूंजी लगा के घर बनाया, बहुत ही बड़ा, आप देख लिए वीडियो में। और इसके साथ में 1 मार्च के दिन ही ऐसा घटना घट गया। और हमको कार्ड भी मिला, दावत भी थे, उस जो भीड़ वहाँ पर था उसमें 50% गृह प्रवेश का दावत मिला हुआ था, इसीलिए ज़्यादा मैटर बड़ा नहीं हुआ। प्रशासन इसमें हस्तक्षेप किया और सब नॉर्मल हो गया है। और बाकी लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अलग टाइप का होते रहेगा। धन्यवाद।